एक चीज़ ज़रूर है, डेकोरेशन ना काफ़ी अच्छा से किया गया है और मंदिर भी काफ़ी प्यारा है। जय श्री राम। तो राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ टोगापुर में और नाइट स्टे में कहाँ किया था वो तो मैं बता दूँगा। सबसे पहले मैं रात को रुका था यहीं पर और कपड़ा मैं धो दिया था, पूरा सूख गया भी है। और ना नाइट को भी मैं स्नान कर लिया था क्योंकि सुबह में स्नान करना लेट हो जाता है इसी चलते। और ये रहा वाशरूम इधर का और आसपास कुछ इस तरह है। पीछे का साइड आया हूँ अभी आगे की साइड मैं जाके दिखाता हूँ और यहाँ के ओनर हैं उनसे भी मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले अपना कपड़ा उठा लेते हैं और देखते हैं सूख गया है। तो रात को ना मैं रुका था जहाँ मैं नाइट को खाना खाया था होटल में, उसी होटल में रुक गया था। और ये रहा ये होटल, जय सीताराम होटल है, इस ओनर से मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग भैया जी। जय बोले दांदे तरम के तंबू भेजनो मंचरस के गोले। और यहाँ के ओनर जी हैं, पर नाम क्या हुआ? करण भाई। काफ़ी अच्छे थे, जैसे मैं कल आया वैसे बोले कि रुजा कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। वेलकम। ये दुकान कहाँ पर है, नाम क्या है यहाँ पर? ये उसकेर गांव मांडवी तालुका। अच्छा, सूरत जिला। और यहाँ पर कस्टमर आए इतने सारे सर खाने के लिए। एक भेज इधर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? नेम? अच्छा, आप रोक आएंगे। तो खाना भी नाइट को यहीं पर खाया था और नाइट को कैंपिंग यहाँ कर दिया था। और सुबह के बच्चे के 8:30 तो फटाफट निकलते यहाँ से, और लेट करने से कोई, अरे वीडियो भी अपलोड करना है, मैं भूल गया ही। तो गाइस सुबह के बच्चे के 8:30 हो चुका हूँ रेडी, अब भैया जी से मिलते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो इधर भैया जी बैठे हुए हैं। नहीं अभी निकलना नहीं, अभी आपको नाश्ता करना है। फिर नहीं हमारा नाम है अंकित भाई। अंकित भाई थैंक यू, आओ वेलकम। सुबह के बज चुके 9 और आज यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ 9 बजे से। और आज का डेस्टिनेशन है करजन, जो यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर है। देखते हैं आज जा पाते हैं या नहीं। अभी मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, हाईवे में इंटरनेशनल हाईवे जा ही रहा था, तभी एक भाई जी मिले। कहाँ से आप? यूपी बलिया से। और मैं निकल ही रहा था तभी पीछे से दौड़ते हुए आए, तो थैंक यू सबसे पहले। थैंक यू। और कौन सा ये नाम है यहाँ? कसुम्बर। आपका नाम? आपका वीडियो देखता हूँ इसलिए। और काफ़ी अच्छा लगा। आपका नाम क्या हो? रविंदर यादव। रविंदर यादव क्या करते हैं यहाँ पर? मतलब जॉब करते हैं। जॉब। थैंक यू, मिलते हैं फिर। काफ़ी अच्छा लगा। तो आ चुका हूँ इंटरनेशनल हाईवे, और इंटरनेशनल हाईवे में कुछ सुनने को मिले या ना मिले, खाने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन गाड़ी का आवाज़ बहुत सुनने के लिए मिलेगा। और मुझे ना गाड़ी का आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एक सेकेंड भी शांति जगह नहीं, शांति नहीं मिलेगा इंटरनेशनल हाईवे पर। गाड़ी चलती रहती है और थोड़ा सा जोखिम भी रहता है, अच्छा सा साइकिलिंग करना पड़ता है। अगर आप भी साइकिलिंग करते हैं तो इंटरनेशनल हाईवे पर थोड़ा सा सोच समझ के चलाएं, धीरे चलाएं और आराम आराम से अपनी यात्रा पूरा करें। तो ठीक है, देखते हैं इंटरनेशनल हाईवे कहाँ तक मेरी पीछे पीछे चलती है, और हम भी इंटरनेशनल हाईवे पर चलता रहता हूँ। देखते हैं, और अभी तो बहुत लंबा दूरी है। तो गैस आज भी काफ़ी गर्मी है, और इंटरनेशनल हाईवे में दिक्कत होता है ना, बहुत ज़्यादा धूल उठता है। और अभी मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम क्योंकि एनर्जी कम हो गया था, गर्मी लग रहा था इस वजह से। तो खाते उसके बाद निकलते यहाँ से। और ये रहा होटल, उधर मेरा साइकिल रहा है,
है ना, बहुत आवाज़ आती है गाड़ी का। खाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ महुवेज, एक सिटी है, और अभी ना अभी मैं हाईवे के किनारे बैठा हुआ हूँ और सुबह से सिर्फ मैं 20 किलोमीटर राइडिंग कर चुका हूँ, बस ओनली 20 किलोमीटर, और 12 बजने वाला है। सोच सकते कितना गर्मी और कितना मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ, और गर्मी के चलते ना मैं हाफ चला रहा हूँ, क्योंकि अगर एनर्जी ख़त्म करेंगे, खपत करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि धीमे धीमे चलेंगे और आराम से आगे निकल ही जाएंगे। तो गाइस शाम के बज चुकी है 2 और मैं रुका हूँ इसलिए क्योंकि खाना खाने के लिए कुछ लाया हूँ और कुछ रेस्ट भी हो जाएगा उसी चलते। अभी मैं खा रहा हूँ ब्रिज के नीचे, क्योंकि ना सिटी में कहीं आसपास में रुकने का जगह नहीं था, इसी चलते मैं सोचा क्यों ना ओवर ब्रिज के नीचे ही चले जाते हैं, यार खाली था पूरा, तो यहीं पर बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं आज कहाँ तक मैं जा पाता हूँ। इधर ना सभी बोतल पानी खाली है, उधर भी 2 बोतल पूरा पानी खाली है, सिर्फ 1 बोतल ये बचा हुआ है और 1 बोतल ये है। तो रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा तो भर लेंगे, और देखते हैं आज ना, आज भी 50-60 किलोमीटर से बेसी राइडिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना धूप बहुत खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल का धूप है। तो कोई बात नहीं, धीरे 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 चले जाएंगे, कछुआ के चाल चलेंगे, खरगोश के चाल नहीं चलेंगे। वेलकम टू नर्मदा टोल गेट। इस टोल गेट का नाम है नर्मदा टोल गेट। बस अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ नर्मदा ब्रिज, और नर्मदा ब्रिज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिज के नीचे से माँ नर्मदा माँ बहती है, क्रॉस करती है, और ना 5 महीने के बाद आज माता नर्मदा के दर्शन करने वाला हूँ, और मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, मैं लास्ट बार माँ नर्मदा का दर्शन किया था नर्मदापुरम में, और फर्स्ट बार ओंकारेश्वर धाम में। वाह, अब ब्रिज भी ना काफ़ी प्यारा है, और माँ नर्मदा के आप सभी को भी दर्शन मैं करवाता हूँ। क्योंकि ना इधर ग्रिल लगाया गया है, और मुझे लास्ट छोड़ जाने के बाद ही मैं दिखा सकता हूँ। देखते हैं साइकिल खड़ा करने का जगह मिलेगा, दिखा देते हैं, लेकिन यहीं से देख लीजिए माँ नर्मदा का, आप दर्शन कर लीजिए माता नर्मदा का। जय नर्मदे माँ, हर नर्मदे। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्वामी नारायण टेंपल, रास्ते से मैं जा रहा था, और काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है ना जैसे राम मंदिर हो, सेम उसी तरह लग रहा है हमें, कितना बड़ा मंदिर है। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा, इसलिए तो मैं बाहर से ही वीडियो बना लेता हूँ। एक चीज़ ज़रूर है, डेकोरेशन ना काफ़ी अच्छा से किया गया है, और मंदिर भी काफ़ी प्यारा है। जय श्री राम, स्वामी नारायण टेंपल है ये। तो एक भाई जी मिले हैं, वो भी एमपी से, और आपका नाम क्या हुआ? राजू भाई। और एमपी से कहाँ से? अली राजपुर। और यहाँ पर कितने साल से बेच रहे हैं? पूरा 25 साल से। पूरा फैमिली या सिंगल? इधर ही मतलब फैमिली रूम पर रहते हैं या अपना घर? रूम पर। और अभी मैं कुछ एक सामान में ख़रीदा हूँ, और काफ़ी डिफरेंट था इसीलिए सब क्यों ना ले लेते हैं।
तो भाई जैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा एमपी से, हर एमपी में काफ़ी घूमा हूँ। तो गाइस आज रात मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, और रुकने से पहले पूरा चेकिंग हुआ है मेरे साथ, और पूरा बैग चेक किए और पूरा सामान बाहर निकाले, उसके बाद रहने का अनुमति मिला। तो कोई बात नहीं, चेकिंग होना ही चाहिए। और इस होटल है बड़ा सा, तो ये खाली था तो यहीं पर मैं रुकने वाला हूँ। तो ठीक है, पूरा सामान सजाते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। तो गैस रात के बज चुके 11:30, और मैं ना कपड़ा पहन के नहीं सोया क्योंकि काफ़ी गर्मी है इसलिए, और आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि सामने हाईवे है और पूरा गाड़ी चल रही है और पूरा शोर हो रही है। इसी चलते मैं ना इंटरनेशनल हाईवे में साइकिलिंग नहीं करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होता है, पूरा आवाज़ करते रहती रात भर। इसी चलते मैं गांव के रास्ते से जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर एक जगह। तो ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली के पास जरूर शेयर करें। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।